दोस्तों, अगर आप रियली तैयारी करना चाहते हो रेलवे का, जेई का असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 या आपकी DRDO का SEPTEM 9 के लिए, यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनाया हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, मैंने रेलवे ALP JEE DRDO ISRO मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कीजिए, डाउनलोड इस बुक को कर सकते हो। दोस्तों ये अच्छा बुक है, टेक्निकल बुक है। दोस्तों उसके साथ अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक चाहिए तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन का चेक कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सिलेक्टिव MCQ बुक्स है, रेलवे ALP JEE ISRO DRDO SEPTEM 9 IOCL ONGC HCL BHEL के लिए, टेक्निकल जॉब जितना भी है इसके लिए ये MCQ क्वेश्चन दोस्तों जरूर डाउनलोड कीजिए। दोस्तों यहाँ पे रेलवे का JEE जो वैकेंसी निकल के आ चुका है, कल आप लोग को बता दिया था, आपकी टोटल पोस्ट आया है 14,033 पोस्ट आया है। लास्ट डेट है जो 31 जनवरी 2019, यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बात करेंगे, यहाँ पे बड़ा बदलाव आया है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंजेस आया है सिलेक्शन प्रोसेस का, और सिलेबस क्या रहने वाला है, नया सिलेबस वाइज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, जो भी बताऊंगा ऑफिशियली नोटिस के जरिए मैं बताऊंगा। ये जो आप वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हो दोस्तों, ये वैकेंसी ऑफिशियली आ चुका है, आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे लिंक होगा सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपकी रेलवे के रिगार्डिंग, रेलवे का जो JEE अभी अपकमिंग JEE वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग पल पल का अपडेट आपके पास पहुंचाता रहूंगा। और दोस्तों वीडियो देख के अगर तैयारी करना चाहते हो, अनअकैडमी में फॉलो कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, मेरे को सर्च कीजिए, MCQ क्वेश्चन का वीडियोज रखा हूँ मैं, वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए, कोई भी इश्यू हो रहा है डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो दोस्तों, ये जो कल का डेट में ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है आप लोग के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट देख सकते हो, 29 दिसंबर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आने वाला है उसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप लोग को पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आप लोग को वैकेंसी का डिटेल्स थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी है 13,034 वैकेंसी है, और दोस्तों जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो 49 है, और डेफर्ड मटेरियल सुपर सुपरिटेंडेंट यहाँ पे दोस्तों 456 है, और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है 494 है। तो दोनों का क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, उसके साथ दोस्तों आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंजेस आया है जो आप लोग को पूरा डिटेल्स में पता होना चाहिए। दोस्तों कल पूरा जानकारी दे चुका था, यहाँ पे फिर भी आप लोग को बता देता हूँ, एज जो है 18 से 33 ईयर तक जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा और डिग्री वालों अप्लाई कर सकते हैं, और डेप्यूटी मेटेरियल डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग वालों अप्लाई कर सकते हैं, और जूनियर इंजीनियर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PGDCA BSc और MSc BTech वालों अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BTech वालों अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो CMA का जो क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन साइंस का जो CMA वालों अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इसी को लेके आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग को मैं 2015 में जो वैकेंसी निकल के आया था उसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ, 2015 में क्या सिलेक्शन प्रोसेस था और 2019 में निकल के आया है, 18 में निकल के आया है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो दोस्तों 2015 का जो वैकेंसी निकल के आया था आप लोग को मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था दोस्तों, यहाँ पे एक ही CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, पर एक ही फास्ट एक ही CBT में आप लोग को सिलेक्शन हो जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, जो सिलेक्शन होने वाला था 150 क्वेश्चन आ रहा था, उसमें आपको 90 क्वेश्चन टेक्निकल एबिलिटी और जनरल साइंस आ रहा था, और 60 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस अरिथमेटिक जनरल इंटेलिजेंसी ये सारे आ रहा था। तो इस बार क्या किया है आप लोग को, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है,
जो 2015 का वैकेंसी था, एक रिटेन क्लियर कर रहे हो, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, और उसके बाद आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल टेस्ट देने जा सकते थे। इस बार क्या हुआ है, मैं आप लोग को ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट को लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, देयर शैल बी टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। टोटल यहाँ पे चार स्टेज रखा गया है। चार स्टेज में आपकी वो CBT 1 होगा, CBT 1 रखा जाएगा, उसके बाद CBT 1 हो जाएगा तो CBT 2 होगा, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का हुआ। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी चार प्रोसेस रखा गया है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट से थोड़ा कम रहेगा, फिर भी आपकी मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसी हिसाब में आप लोग को चार चार स्टेज के लिए, दो स्टेज जो है CBT टेस्ट है, CBT टेस्ट के लिए अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। इससे पहले जो था कि टेक्निकल आ रहा था, नॉन टेक्निकल आ रहा था फर्स्ट स्टेज CBT में, इस बार ऐसा हो सकता है जैसे कि DRDO कर रहा है, जैसे कि टू टायर एग्जामिनेशन किया है DRDO, फर्स्ट स्टेज में आपकी प्योर नॉन टेक्निकल रहेगा। तो इस बार ऐसा हो सकता है दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज हुआ था, ऐसे ही आप लोग को JEE का भी फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज कर दिया, तो फर्स्ट स्टेज में आपकी प्योर नॉन टेक्निकल रहेगा दोस्तों, नॉन टेक्निकल प्योर रहने वाला है। तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होगा वो आपकी ब्रांच वाइज होगा। इससे पहले जो सिलेक्शन हो रहा था ब्रांच के नॉलेज, तो दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल वालों, इलेक्ट्रिकल वालों, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एक ही क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों। मैकेनिकल वालों भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन अपेयर करेंगे और इलेक्ट्रिकल वालों भी मैकेनिकल क्वेश्चन का अपेयर करेंगे। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग को फाइनली 2-3 दिन में आपकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, पर आप लोग को जो बता रहा हूँ वो 100% ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बोल रहा है। तो आप लोग को बता रहा हूँ क्या कि यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट स्टेज CBT होगा, तो CBT में आपकी प्योर नॉन टेक्निकल रहेगा, नॉन टेक्निकल रहेगा दोस्तों। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेज में आपकी ब्रांच वाइज, सपोज आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो ओनली आपकी मैकेनिकल क्वेश्चन आने वाला है, सपोज आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, या कंप्यूटर साइंस से या सिविल से, तो आपकी ब्रांच वाइज आपकी क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको मिक्स कर देगा। तो इसी बार इसीलिए आपकी ग्रेड चेंज मिल रहा है, पहले CBT 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। CBT 1 अगर क्लियर हो रहा है तो आप CBT 2 के लिए जा सकते हो, और CBT 2 में आपकी पूरा ब्रांच वाइज आपकी जो पोस्ट है आपकी ब्रांच वाइज क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है आपकी 2 जनवरी से शुरू होने वाला है, और जो क्लोजिंग डेट रखा गया है ये 31 जनवरी रखा गया है। आपकी मिनिमम 29 डेज आपकी रखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा आप, मैं जब भी आप अप्लाई करेंगे थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि जब भी शुरुआत होगा मैं आपको एक मॉक अप्लाई करने का वीडियो दूंगा दोस्तों, पूरा मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद आप जरूर अप्लाई कीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स छूट ना जाए, क्योंकि इस बार अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। यहाँ पे दोस्तों सैलरी के बात करेंगे तो आपकी 7th पे मैट्रिक्स वाइज, 7th CPC वाइज लेवल 6 में आपकी ज्वाइनिंग होगा, जिसमें 35,400 आपकी मिनिमम जो बेसिक पे रहेगा, उसके साथ TA रहेगा, DA रहेगा, HRA रहेगा, उसके साथ बहुत सारा अलाउंसेस जोड़ जाएगा दोस्तों, आपको लगभग 60 से 65,000 आपकी सैलरी मिलने वाला है। थोड़ा वेट कर लीजिए, सैलरी स्ट्रक्चर भी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, चैनल के साथ जरूर जोड़ जाइए। कोई भी नया अपडेट आ रहा है या रेलवे रिक्रूटमेंट JEE के रिगार्डिंग, मेरा चैनल से पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है JEE के रिगार्डिंग। 2015
जो एग्जाम हुआ था वो मैंने खुद दिया था, भुवनेश्वर में दिया था। तो दोस्तों आप, मेरा एक्सपीरियंस है कैसा था, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा आपको भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप बता दे जाऊंगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीटेक है तो जरूर चैनल के साथ जोड़ जाइए। अगर तैयारी कर रहे हो तो मैंने जो बुक्स बताया, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बुक्स आप खरीद लीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं है, ओनली 25 रुपीज़ रखा गया है, और इसका वॉल्यूम 2 भी आपको देने वाला हूँ, उसके तैयारी में मैं हूँ। तो दोस्तों पूरा चैनल के साथ जोड़िए, पूरा प्रिपरेशन प्रोसेस आप लोग को बताता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। कोई भी इशू हो रहा है कमेंट कीजिए या अनअकैडमी में मैसेज कीजिए। बाय बाय।